फ्रेंड्स, आज एक बहुत ताजुब की बात हुई है और एक हमारे पास हमारे कस्टमर आए हैं यहाँ पर सामान लेने मेरे पास। इसके अंदर टेस्टिंग डिवाइस है या सेंसर और वो है क्या नाम है मॉस्फेट वगैरह है और हापुड़ से आए हैं। तो चलते हैं, इनकी जबानी कुछ बातें सुनते हैं। सर, कहाँ से आए हैं आप? मैं जिला हापुड़ का रहने वाला हूँ, गाँव मेरा शहर है। अच्छा, वो बहादुरगढ़ के अंदर मेरी दुकान है। दुकान है आपकी बहादुरगढ़ के अंदर, आपकी दुकान है। चलिए, तो मैंने आपका यूट्यूब पर मैं प्रोग्राम देखा, देखने के लिए मैंने कुछ आपके लिए कुछ मैसेज भेजा था कि सामान मंगाने के लिए, तो मुझे किसी ने भ्रम करा कि ये यूट्यूब पे झूठा है। अच्छा, तो आप झूठे हैं। तो मैंने फोन, आपने मैसेज किया था तो आपके साथ मैंने सही से बात किया था? बिल्कुल किया था। मतलब जो रेट बताए थे वही रेट अभी लगे हैं? कम ही लगे होंगे? कम हो गया है। अच्छा, तो ऐसा आपने, आपके साथ में क्या वहाँ पे बताया गया कि मतलब कि वहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या बताया था आपको? वहाँ पर ये बताया था मैं कि YouTube पे देखो, सबसे पहले तो तुम्हारा भतीजा ही कुछ ना कुछ भेजता रहता है। हाँ, कि ये फ्रॉड भेजे जाते हैं। हाँ, जैसे कि मान लिया कोई चीज हमें ऑनलाइन मंगवानी है तो उनके ऑफिस होते हैं। हाँ, अच्छा, तो आपने वहां से बोला कि सर हम खुद आके ले जाएंगे। हापुड़ से आए हैं आज? शाहजहांपुर आए हैं। तो आप शाहजहांपुर आए तो आपने सामान लिया इस टाइम? बिल्कुल लिया। तो कैसा रहा कि मतलब कोई फ्रॉड है या कैसा है आपने? देख करके मुझे ठीक लगा। ठीक लगा। हाँ। तो आप मतलब आगे से कोई, अगर एक मिनट, आगे से जैसे कि आगे से अगर कोई सामान मंगाना हो फिर क्या करेंगे आप? अब तो मैं ऑनलाइन आपसे मंगा लूंगा। आप मंगा लेंगे? आप, डर नहीं रहेगा आपको? डर नहीं रहेगा। ताजुब की बात है फ्रेंड्स। देखिए, ये ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आदमी सोचता है कि संदीप ई रिक्शा या कोई भी जो हम ऑनलाइन काम, देखिए हर कोई फ्रॉड नहीं होता है। जनरली बात है, अगर आपको मैंने बात किया था, सभी चीजें बताया था, सर पैसा भेजिए मैं आपको यहाँ से डाल के बस में रखवा दूंगा, बस क्या भी मैंने बोला था। हाँ। साथ ही साथ कुरियर के लिए भी बोला था। तो ऐसा नहीं है, कहीं और हो सकता है फ्रॉड, पर मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं होगा। क्या लगता है सर, सही कह रहे हैं या गलत? आप सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं ना? रेट आपको सामान मिल गया? अब कैसा लग रहा है? तसल्ली है? बिल्कुल तसल्ली है, मन को, मेरे को बहुत राहत है। राहत है। चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको भी कोई सामान चाहिए तो आप लोग आके ले सकते हैं मेरे पास से, या आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। ये हापुड़ से आए थे, ये कंट्रोलर वगैरह भी एक ले रहे हैं अपने लिए, छोटा मोटा कोई दुकान है। देखिए, छोटे से ही आदमी बड़ा होता है, ये कोई पैदाइशी कोई पेट से बड़ा नहीं होता है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी तो राहत जरूर देगी कि संदीप ई रिक्शा कोई किसी प्रकार का कोई फ्रॉड नहीं करता है, या ई रिक्शे का टीचिंग में या आपका सामान में। फिर मिलते हैं नए वीडियो पर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।